प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शहर के विकास के लिए जनता से 14 वायदे किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा शिमला शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और नशा मुक्ति की ओर सख्त कदम उठाए जाएंगे। घोषणा पत्र में वेलनेस सेंटर, इंडोर स्टेडियम बनाने सहित राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। शिमला शहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी शिमला शहर में निवासी रहते हैं, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए जब से हमारी सरकार आई है तब से कार्य कर रही है और हम ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से दूर हटकर अब वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है शिमला शहर के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है और कुछ जगह उस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूवी का जो छोटा शिमला और माल रोड के एरिए क्षेत्र है उसमें उसका प्रयोग भी शुरू हो गया और आने वाले समय में वहाँ जल्दी यूवी रेज के द्वारा स्वच्छ जल शिमला की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ और जगह भी इस कार्य को शुरुआत कर दी गई। जनता को विश्वास दिलाना चाहते है कि शिमला नगर निगम में 4.5 साल में हमारी सरकार है। हम आपको ये वादा करना चाहते है, आप नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताइए और निश्चित तौर पर जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है उसको हम अमली जामा पहनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जमीन की उपलब्धता के अनुसार हर वार्ड में पार्किंग, सामुदायिक केंद्र और पार्क बनाने की भी घोषणा की है। शहर के भीतर ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोपवे के निर्माण का ऐलान भी किया गया है। शहर में बिजली की खुली तारों को भूमिगत करने की बात भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में की है।